Dear students of class 1 and respected parents, assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at home. I am your English teacher from Junior Campus High School, and today I am going to deliver you a lecture from your new Oxford Modern English workbook. And today we are going to solve two pages from your workbook, page number 47 and 51. So please beta, open the page number 47. ओके बेटा, आप जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी यूनिट नंबर 7 जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, क्लेवर फॉक्स एंड ग्रीडी वुल्फ, उसका आज हम वर्कबुक सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो आपने पार्ट ए के ऊपर फोकस करना है, बड़े ध्यान से इस बात को समझना है. इसमें हम एवरीडे, नाउ एंड यस्टरडे तीनों कॉन्सेप्ट को लेकर बात करेंगे. एवरीडे का मतलब जिसमें आपकी डेली रूटीन होती है, नाउ का मतलब जो काम आप अब कर रहे होते हैं, जैसे आप अभी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं. ठीक है, या आप फिर कुछ भी आप अपना एक्शन बता सकते हैं, जैसे आप बैठे हुए हैं, ये सब नाउ में चले जाता है. ठीक है, इसी तरह से यस्टरडे का मतलब होता है जो काम आप पहले ऑलरेडी कर चुके हैं. अब ये यस्टरडे वाला कॉन्सेप्ट आप अपनी बुक में ऑलरेडी कर चुके हुए हैं. ठीक है, इसी तरह आपने नाउ का कॉन्सेप्ट किया था. जैसे आपको याद होगा कि आपने अपने यूनिट द ड्रोन में फैसल की वर्कबुक पे एक स्टोरी की थी. ठीक है, जो कि फैसल से रिलेटेड थी. उस बॉय का आपने नाउ में पहले सेंटेंसेस कंप्लीट किए थे और फिर उसको यस्टरडे में चेंज किया था. बिल्कुल इसी तरह से ये आपका कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इसमें एवरीडे भी है, नाउ भी है और यस्टरडे की भी बात हो रही है. अब हमारी एक एग्जाम्पल है जिसे आपको बहुत ईजीली ये बात समझ आ जाएगी. जैसे वो कहते हैं द क्लेवर फॉक्स लुक्स फॉर फूड, यानी लुक्स का मतलब ये डेली तलाश करती है, खाना ढूंढती है अपना. अब नाउ में इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम कहने द क्लेवर फॉक्स इज लुकिंग, द क्लेवर फॉक्स इज लुकिंग फॉर फूड. यानी हमने इसके साथ आईएनजी का इजाफा किया और एक फॉक्स की जस्ट बात हो रही थी, जस्ट वन थिंग की बात हो रही थी, तो हमने इसका यूज़ किया था, क्लेवर फॉक्स इज लुकिंग फॉर फूड. इसकी एक इजी एग्जांपल ये भी है, जैसे आप अपने पिक्चर डिस्क्रिप्शन करते हैं, लास्ट आपने अपनी क्लासेस में भी की है, जिसमें आप इज आर का यूज़ करते हुए वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं. ठीक है, वो सारी आपकी पिक्चर जो है वो नाउ के कॉन्सेप्ट के साथ चलती है कि पिक्चर में क्या क्या हो रहा है. ठीक है, इसको आपने इस तरह से भी याद रखना है. फिर उसके बाद यस्टरडे में अब वो क्या कहते हैं, अब उसने क्या काम किया, द क्लेवर फॉक्स लुक्ड फॉर फूड, उसने खाने को तलाश किया. ठीक है, यहाँ पर हमने ईडी का इजाफा कर दिया. अब इसी तरह से नीचे कुछ एग्जांपल्स है एवरीडे, नाउ और यस्टरडे को बताते हुए. जैसे फर्स्ट उन्होंने यहाँ पर क्या वर्ब लिया है, टॉक्स. अब टॉक्स एवरीडे को शो कर रहा है इसका एस. ठीक है, नाउ में हम इज टॉकिंग कर देते हैं और यस्टरडे में टॉक्ड कर देते हैं. इसी तरह प्ले से इज प्लेइंग और प्लेट, और रन से इज रनिंग और रैन. जैसे आप ड्रिंक से कर सकते हैं, ड्रिंक्स इज ड्रिंकिंग और ड्रैन. ठीक है, इसी तरह से आपके पास नीचे एवरीडे में, यस्टरडे में और नाउ में कुछ सेंटेंसेस हैं और वर्ब्स दिए गए हैं. आपने इनको सही फॉर्म में लिखना है, यानी एवरीडे की बात हो रही है तो वर्ब के साथ अगर एस या ई एस का इजाफा होगा, यस्टरडे की बात है तो उसको ई डी के साथ, या जैसे भी उसकी फॉर्म चेंज होती है वर्ब की, हम वो करेंगे. और नाउ का मतलब होगा कि हम इज या आर के साथ आई एन जी का इजाफा करेंगे. ठीक है, जैसे नंबर वन आप एवरीडे को देखिए. अब हमारे पास वर्ब है सिट, लुक एंड वॉन्ट. अब सेंटेंस पढ़ते जाइए और आप साथ साथ इसको सॉल्व करते जाइए. अब वो कहते हैं द क्लेवर फॉक्स डैश आउटसाइड द हाउस. अब यहाँ पर क्या आएगा, अब देखिए, अब यहाँ पर वो कहते हैं आउटसाइड द हाउस, वो क्या करती है, सिट्स आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर बैठती है. ही डैश इन द विंडो, इन द विंडो क्या करती है, ही लुक्स, सॉरी करता है. ठीक है, मेल की बात हो रही है यहाँ पर. ही लुक्स इन द विंडो, ही डैश टू गेट सम फूड, ही वॉन्ट्स. अब वॉन्ट के साथ हमने यहाँ पर एस लगाया, सारे वर्ब के साथ हमने जस्ट एस लगाया और एवरीडे को शो किया. फिर वो कहते हैं यस्टरडे में आ जाइए आप. द क्लेवर क्रो, आपके पास ऊपर वर्ड्स हैं, ये देखिए, पुट, वर्क, पिक, फाइंड, कम एंड ड्रॉप, इनको यूज़ करते हुए अब आप इसको भी फिल करते जाएंगे. जैसे वो कहते हैं द क्लेवर क्रो डैश अ स्मॉल स्टोन, अब उसने स्मॉल स्टोन को क्या किया,
ढूंढा तलाश किया तो फाइंड से हमारा चेंज होगा फाउंड FOUND फाउंड ही डैश इट अप विद हिज बी ही पिक्ड इट अप उसने उसको ऊपर की तरफ उठाया पिक्ड इट अप विद हिज बीक ही डैश इट इनटू द पिक्चर उसने पिक्चर में उसको क्या किया ही पुट इट इनटू द पिक्चर ठीक है द क्रो डैश हार्ड ऑल मॉर्निंग अब उसने सारा दिन क्या किया वर्कड वर्क के साथ आपने ईडी का इजाफा कर देना वर्कड हार्ड ऑल मॉर्निंग ही डैश लॉट्स ऑफ स्मॉल स्टोन्स इनटू द पिक्चर उसने पिक्चर में क्या किया उसको ही ड्रॉप्ड उसने फेंके स्मॉल स्टोन्स छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं स्टोन के उनको उसमें फेंका एट लास्ट द वाटर डैश टू द टॉप अब हमारे पास वर्ड बचा है कम कम से क्या हो जाएगा केम टू द टॉप अब ये सारे आपके वर्ड्स येस्टरडे में हमने चेंज कर दिए अब वो कहते हैं जी नाउ में सिट लाफ और लुक के साथ अब वो कहते हैं द क्लेवर फॉक्स डैश आउटसाइड द विंडो अब आपने यहाँ पर इस ये आर के इजाफे के साथ आई एन जी लगाना है ठीक है जैसे कहते हैं द क्लेवर फॉक्स इज सिटिंग इस हमारा एक को शो करता है ठीक है इज सिटिंग डबल टी हो जाएगा सिट में आई एन जी लगाकर इज सिटिंग आउटसाइड द विंडो ही डैश एट द वुल्फ ही इज लुकिंग एट द वुल्फ एल डबल ओ के आई एन जी ठीक है और फिर उसके बाद वो कहते हैं ही डैश ही इज लाफिंग अब लाफ के साथ आपने आई एन जी का इजाफा करना है ठीक है ही इज लाफिंग ही इज हैप्पी इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा ओके बेटा नाउ मूव टू योर पेज नंबर 51 ओके बेटा इस पेज पे भी इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एवरीडे यानी रूटीन को शो किया जा रहा है इसीलिए मैं आपको इसके साथ ये पेज सॉल्व करवा रही हूँ अब वो कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स आपके पास हर सेंटेंस के साथ दो तरह से उन्होंने वर्ब को यूज़ किया व्हेन नाउ में भी और एवरीडे में भी तो आपने जब रूटीन बतानी है तो आप क्या यूज़ करेंगे एवरीडे के वर्ड्स को यूज़ करेंगे बहुत ध्यान के साथ जैसे वो कहते हैं मिस्टर बासित डैश इन अ बैंक अब मिस्टर बासित बैंक में क्या करते हैं वर्क्स मिस्टर बासित वर्क्स इन अ बैंक एक बैंक में काम करते हैं ठीक है इनको हमने फिल करते जाना है अब जस्ट मैं आपको वैसी ऑरली बताते जाऊंगी ही डैश टू वर्क एवरी डे अब देखिए रूटीन शो हो रही है ही डैश टू वर्क ही गोज टू वर्क एवरी डे अब आपने यहाँ पर गोज को फिल कर लेना है ठीक है और नीचे जो मैं आपको बताऊंगी आपने उसको ध्यान से सुनना है और फिल अप करते जाना है ठीक है ऑन संडे ही डैश लेट ऑन संडे वो क्या करते हैं ही स्लीप्स लेट वो लेट सोते हैं ऑन मंडे ही डैश अप अर्ली और मंडे को वो क्या करते हैं वेक्स अप अर्ली यानी सुबह जल्दी उठते हैं ही डैश हिज ब्रेकफास्ट वो ब्रेकफास्ट क्या करते हैं ईट्स खाते हैं अब आपने इस तरफ नहीं आना क्योंकि ये यस्टरडे को शो कर रहा है ईट्स यानी वो एवरीडे को शो कर रहे हैं ही डैश द न्यूज़पेपर ही रीड्स द न्यूज़पेपर देन ही डैश ऑन टू हिज साइकिल गेट्स देन ही गेट्स ऑन टू हिज साइकिल ही डैश टू वर्क ही राइड्स टू वर्क अब आपने इसी तरह से इसको सारे को कंप्लीट करना है ये डेली रूटीन को शो कर रहा है एवरी डे को शो कर रहा है ठीक है बेटा होपफुली आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया होगा सारे कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से इसको प्रैक्टिस भी करना है एवरी डे नाउ और यस्टरडे के कॉन्सेप्ट को ठीक है बेटा आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है अपना खूब ख्याल रखें स्टे होम स्टे सेफ अल्लाह हाफिज़